हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हमारे देश में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर जिसे कि गांधी जयंती के नाम से आप सभी जानते हैं। तो इस अवसर पर दोस्तों, महानिदेशक महोदय का एक विस्तृत आदेश आ चुका है, कल सभी परिषदीय विद्यालयों में धूमधाम से मनाई जाएगी गांधी जयंती। आइए देखते हैं कि आदेश क्या है और साथ में कुछ और भी कार्यक्रम आपको कल करना है जो कि आदेश में कहा गया है। तो आइए दोस्तों, हम आदेश को देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का यह आदेश है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और दिनांक 1 अक्टूबर 2021। विषय परिषदीय विद्यालयों में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत अवगत कराना है कि प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के उपलक्ष में प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में गांधी जयंती का समारोह पूर्वक आयोजन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 9 फरवरी 2021 के द्वारा परिषदीय विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा को लागू किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज अनुभाग 3 की शासनादेश संख्या ये दिनांक 25 सितंबर 2021 के द्वारा भी ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 के मध्य सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना वार्षिक कार्य योजना GPDP तैयार किए जाने के संबंध में एवं विद्यालय प्रबंध समिति की कार्ययोजना को GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध विद्यालयों में स्वच्छता संबंधी आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के आच्छादन एवं क्रियाशीलता के उद्देश्य से अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ निम्नोक्त गतिविधियाँ की जाएँ। पहला, समस्त विद्यालयों में गांधी जयंती के आयोजन के अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों एवं सभी अभिभावकों को सादर आमंत्रित किया जाएगा। दूसरा, विद्यालय के संबंधित ग्राम पंचायत वार्ड के ग्राम प्रधान सभासद को मुख्य अतिथि के रूप में अनिवार्य रूप से आमंत्रित करते हुए कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य कराने हेतु उनका उत्साहवर्धन करते हुए सम्मानित भी किया जाएगा। विद्यालय में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु निर्मित की गई विद्यालय विकास योजना को विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं छात्रों के सम्मुख ग्राम प्रधान सभासद को ससम्मान उपलब्ध कराई जाएगी। सभी अभिभावकों को यह अवगत कराया जाए कि इस सत्र में निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग, क्रय से संबंधित धनराशि माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी। इसके लिए वे अपने बैंक खातों को आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से यथाशीघ्र करवा लें। शिक्षकों, मुख्य अतिथि द्वारा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से संबंधित प्रेरक प्रसंगों का वाचन किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों एवं छात्र छात्राओं को ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प, मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय एवं मिशन प्रेरणा के महत्व तथा इसके अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न अभिनव प्रयासों एवं सफलता की कहानियों से अवगत कराया जाएगा। छात्र छात्राओं के मध्य चित्रकला, निबंध, वाद विवाद इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा एवं उत्कृष्ट छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन पुरस्कृत किया जाएगा। महात्मा गांधी की जीवनी से संबंधित लघु कथाओं का वाचन अथवा बाल सभा में गांधी जी के जीवन प्रसंगों पर आधारित लघु नाटिका का मंचन किया जा सकता है। विद्यालय परिसर में सभी अतिथियों एवं छात्र छात्राओं के साथ औषधीय, फलदार तथा अन्य उपयोगी पौधों का रोपण किया जाएगा। सभी अतिथियों एवं छात्र छात्राओं के साथ ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प शपथ ग्रहण की जाएगी। उपरोक्त सभी गतिविधियों में COVID-19 के प्रोटोकॉल का अनुसरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। विद्यालय में छात्र छात्राओं के मध्य पुरस्कार वितरण से संबंधित यथावश्यक व्यय को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि से नियमानुसार व्यय किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि गांधी जयंती के अवसर पर समस्त प्रसिद्ध विद्यालयों में उक्तानुसार आयोजन पूर्ण मनोयोग एवं उत्साह के साथ अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा आयोजन से संबंधित फोटो सहित आख्या ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराई जाए। भौदी अनामिका सिंह जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। फिर दोस्तों, आगे भी आदेश है। प्रेषक रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी ओम अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 9 फरवरी 2021 का यह आदेश है, जिसमें ऊपर बात कही गई है परिषदीय विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा को लागू किए जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए अवगत कराना है कि
प्रसिद्ध विद्यालयों के प्रति छात्र छात्राओं, अभिभावकों, अध्यापकों एवं स्थानीय समुदाय की स्वामित्व की भावना को विकसित करने में विद्यालय के शिक्षकों, स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि एक बेहतर शिक्षण संस्थान वही है जिसमें शिक्षकों, स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन की स्नेहसिक्त छत छाया में प्रत्येक छात्र स्वयं को प्रफुल्लित व हर्षित महसूस करता है और वहाँ उन्हें एक सुरक्षित एवं प्रेरणादायक माहौल एवं बाल मैत्रिक बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उपयुक्त शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह प्राविधान है कि विद्यालय में बच्चों को उनके मौलिक आधार, नागरिकता कौशल एवं उसका महत्व, जल एवं जल संरक्षण से संबंधित पर्यावरणीय जागरूकता, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों पर जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का संवेदीकरण किया जाना भी आवश्यक है। प्रदेश के लगभग 1.35 लाख प्रसिद्ध विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुरूप मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, संचालन एवं रख रखाव की प्रक्रिया प्राथमिकता पर गतिमान है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में वास यानी स्वच्छता सुविधाएं, विद्यालय एवं परिसर की अन्य अवस्थापना सुविधाओं, मिड डे मील हेतु समुचित एवं स्वच्छ रसोई घर की व्यवस्था इत्यादि शामिल हैं। विद्यालय में एक सक्षम वातावरण बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों को स्वच्छ और सुरक्षित शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के साथ साथ छात्र छात्राओं को सीखने और विकास करने के लिए सभी प्रकार की प्रशासनिक और तकनीकी सहायता के साथ साथ सार्वजनिक वित्त पोषण और भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प की स्थिति की स्थिरता और गुणवत्ता, शिक्षण प्रक्रियाओं की निरंतरता के लिए शिक्षकों, बच्चों, माता पिता और समुदाय द्वारा स्कूल की विभिन्न सुविधाओं, संचालन एवं प्रबंधन में सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। छात्र छात्राओं में उनके माता पिता, शिक्षकों एवं समुदाय के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करते हुए विद्यालय परिवेश की समग्र स्वच्छता के प्रति नैतिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा का प्रमुख अंग है। विद्यालय की साफ सफाई एवं स्वच्छता केवल एक विशिष्ट व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि यह छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, समुदाय का भी नैतिक दायित्व है। विद्यालय में इस प्रकार की सृजनात्मक पहल के लिए 6 प्रमुख रणनीतियाँ निर्धारित की गई हैं, जो निम्नवत हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, छात्रों और अध्यापकों को भी अपने स्वयं के प्रवेश के लिए जिम्मेदार बनाना। विद्यालयों में साफ सफाई के प्रबंधन हेतु विशेष नवाचार के रूप में जरूरी है कि विद्यालय में पर्याप्त संख्या में झाड़ू, डस्ट पैन, कपड़ा एवं अन्य सफाई सामग्री मौजूद रहे। इस प्रक्रिया को लागू करने हेतु एवं इसे बच्चों में व्यवहार परिवर्तन के रूप में क्रियान्वित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया को स्कूल की समय सारणी में शामिल किया जाए, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ अध्यापकों, देखभाल, सुरक्षा और सीखने सिखाने के प्रभारी व्यक्ति द्वारा स्वच्छता प्रक्रियाओं में भाग लिया जाएगा। कार्य करने से पहले सोचें, थिंक बिफोर एक्ट। शिक्षकों द्वारा बच्चों में सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने में मदद के लिए छात्रों से बातचीत करने एवं अनौपचारिक तरीके के रूप में सफाई अभ्यास को समझना और सीखने की सुविधा प्रदान करना। क्योंकि इस प्रक्रिया में छात्रों द्वारा किए जाने वाले सफाई कार्यों को एक शैक्षणिक गतिविधि के रूप में विकसित किया जाता है, इसलिए शिक्षकों को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि विद्यालय में साफ सफाई कार्य को क्यों और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। बच्चों की सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षकों द्वारा इस पहल का नेतृत्व करने, भाग लेने और मार्गदर्शन प्रदान करने की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षकों को बच्चों के अनुकूल झाड़ू, ब्रश अथवा जो भी सफाई सामग्री, उपकरण इत्यादि को विद्यालय की आवश्यकताओं, क्षमताओं के अनुरूप व्यवस्थित करते हुए उनके उपयोग करने की प्रक्रिया से परिचित कराना चाहिए। करने के लिए सूची, टू डू लिस्ट। विद्यालय परिसर में कब, कहां और कैसे सफाई की कार्य किया जाना है, इन तथ्यों को सूचीबद्ध किया जाना। विद्यालय परिसर बड़े हों या छोटे हो सकते हैं, इसलिए इस बात का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है कि विद्यालय परिसर के किन क्षेत्रों को साफ करना है। विद्यालय परिसर के साथ साथ कक्षा कक्षों की साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन क्षेत्रों की साफ सफाई से बचना चाहिए जो बच्चों के लिए खतरनाक हों अथवा उनकी क्षमता से बाहर हों। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्र सदैव समूह में सफाई कार्य करें। विद्यालय में सफाई का समय स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। साफ सफाई की गतिविधियाँ अधिकतम 15 से 20 मिनट की रखी जाए, ताकि बच्चे इन सामूहिक गतिविधियों का आनंद के साथ साथ संपादन करें और गतिविधियों को बोझिल ना समझा जाए। कैसे और किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करने के लिए सीखना, लर्निंग हाउ टू क्लीन एंड व्हाट मटेरियल टू यूज। बच्चों के आयु वर्ग एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार सफाई सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके लिए विद्यालय में मौजूद कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जाए कि इन सामग्रियों की व्यवस्था छात्र छात्राओं के माता पिता अथवा समुदाय द्वारा दान सहयोग के रूप में विद्यालय को उपलब्ध कराई जाए। सफाई प्रक्रिया के दौरान स्वयं का बचाव करने के लिए अध्यापक एवं बच्चों के लिए मास्क, दस्ताने आदि की व्यवस्था की जाए। प्रशिक्षण और सह प्रबंधन। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि यह आदेश काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं इस पूरे आदेश को पढ़ूँ बेहतर होगा कि मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप इस आदेश को पढ़ लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं इसमें कुल 21 पेज हैं, अभी यह 8वां पेज चल रहा है। तो ये पूरा आदेशों का जो है ये संग्रह है जो महानिदेशक महोदय ने भेजा है। तो इन सभी आदेशों को जो है आप अच्छे से पढ़ें, इसके लिए हम आपको इसका जो है PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ पर जाइएगा, इस आदेश को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इसे आराम से सारी चीज़ों को अपने अनुसार पढ़िएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।